एसी रूम में बैठ के सब अच्छी अच्छी छोड़ लेते हैं यार, रियलिटी में आके जब जमीन पे करता है ना आदमी, दो वक्त की रोटी पालना मुश्किल हो रहा है आज के दौर में। कितने भी पैसा है, पैसों से कोई इंसान नहीं जीतता है। ये सब दुकानें यहाँ की हटाई उसने। किसने? मोदी ने। पंजे वाले भी अच्छा करते, कांग्रेस वाले भी, भाजपा वाले भी अच्छा करते। ये वापस ये राहुल गांधी आया थोड़ा सा भैया, तो उसने ही बैठने दिया है। ये कोई भी सरकार बने लेकिन अच्छी बने, अच्छी बने बस, गरीबों को दाल रोटी मिले। हाँ। परेशान नहीं कर सारा कांग्रेस को देखना चाहते हैं मेरे हिसाब से, सब यहाँ जितने भी है मेरे हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। तो नोटबंदी से 2000 से बड़े नोट लिया है। हाँ। अब खुले किससे मांगने जाओ 2000 के? आपके बाद भाई नोटों में ही आएगा बस, होने ही नहीं, यहाँ का सिस्टम ही पसंद नहीं है मेरे को तो। बोलो 15 लाख देने का बोला, कुछ नहीं तो ब्याज तो मिल ही जाए। सुनेंगे, पर ऐसी सरकार आना चाहिए कि गरीबों का फायदा हो, गरीबों को सुख से रोटी मिले। दोस्तों बोल पब्लिक बोल में आज हम बात करेंगे व्यापार करने वाले एक ऐसे वर्ग की, एक ऐसे समुदाय की जो मेहनत करके सड़कों पर चलते फिरते व्यवसाय करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस देश का वो भी वोटर है, वो भी वोट देता है और वो इस देश का नागरिक है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, वो आने वाली सरकार कैसी चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार से क्या उनकी मांग है, आज हम बात करते हैं इंदौर शहर में व्यवसाय करने वाले रेहड़ी वालों से। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनके विचार जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? लक्ष्मण है। लक्ष्मण, क्या करते हैं आप? ये क्या का धंधा है? पॉपकॉर्न बेचते हैं। पॉपकॉर्न बेचते हैं, तो कैसे, एक जगह पर बेचते हैं या? ये बस स्टैंड पे घूमते रहते हैं। घूमते फिरते रहते हैं। कितना कमा लेते हैं? 250-300 रुपए कमाते हैं। अच्छा, तो सरकार से कोई समस्या नहीं? नहीं है। कौन सी सरकार को देखना चाहते हो इस बार? हम तो इसको देखना चाहते हैं। किसको? जो परेशान नहीं करता इसको देखना चाहते हैं। आपको परेशान कौन करता है? ये करते हैं जनता वाला, करते हैं अपना वो बीजेपी वाले, जनता वाले। क्या क्या बोलते हैं? बोला भग जाओ इधर, गले में भग जाओ। भग जाओ, तो फिर इस बार वोट किसको देने वाला? मैं तो इसको देता हूँ। किसको? कांग्रेस वाले को। बीजेपी वाले परेशान करते हैं, इस बार कांग्रेस को देंगे। ये पूरा राजवाड़े पे जगह नहीं मिलेगी मेरे को भागने की। हाँ, ये बात भी सही है। मन की बात मैंने बताई। हाँ, वो सही है, मन की बात तो मोदी जी भी करते हैं। एसी रूम में बैठ के सब अच्छी अच्छी छोड़ लेते हैं यार, रियलिटी में आके जब जमीन पे करता है ना आदमी, दो वक्त की रोटी पालना मुश्किल हो रहा है आज के दौर में। ऐसा बोला था भाई, 1000 का नोट बंद करेंगे, इससे जो है काला धन को बढ़ावा मिल रहा है। अब 2000 के नोट से कौन सा धन को बढ़ावा मिल रहा है? साला गिरा आता है, निकाल के देता कि ले 2000 का, भागते फिरो यहाँ पे दिन भर। यार ठीक है, भ्रष्टाचार सब हवाई बात है, कुछ भी नहीं है रियलिटी में। देखो तुम जाके साला, एक झाड़ू लगाने वाला भी निगम कर भी नहीं, 2000 रुपए आराम का पैसा छीन के ले जाता है ठेले वालों। देखो जाके कोर्ट रोड पे 500 रुपए का चलन ठेले वाले का, कहीं लो बता दो मेरे को कहाँ पे लिखा हुआ 100 रुपए का लो है भाई, तुम अगर पॉलिथिन रखता है या प्लास्टिक रखी है मेरे पास है, काटो 100 रुपए का फाइन, काटो ना। फाइन से ज्यादा कर लेते हैं। 500 रुपए के कली काटे कोर्ट पे आओ ना तुम, जहाँ पे देश का संविधान चल रहा, कानून चल रहा, मैं अंधेर गिरती हो रही, तुम यहाँ की बात करते हो यार। नाम क्या है? नाम मोहम्मद इश्तियाक अली। मोहम्मद इश्तियाक अली। इश्तियाक जी, अपन कोई दुर्भावना से नहीं बोलते, हम भुगत रहे हैं, हम हमारा ठेले वाला, हर कास्ट का हमारे पास ठेले वाला, 16 ठेले लगते हैं हमारे। अच्छा। परेशान हो रहा है यार, दिन भर भागते है, वो आया वो गली दे रिया, वो आया वो भगा रिया, क्या करेगा आदमी, ला दुकान ले हुए क्या? इतना पैसा होता तो यार ठेले थोड़ी ना लगाते, 5-10 लाख रुपए की दुकान ले, 5-10 लाख का माल भरे तो भाई बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे यार, ठेला थोड़ी ना लगा रहे। तुमने वो नोटबंदी कर दिया, फिर RTGS कराओ और ये कराओ, हिंदुस्तान की कई मंडी में चले जाओ, आज के कल पैसा मिलता ही नहीं है। 10 दिन में दे, किसान को इतना नंगा कर दिया, किसान 2 दिन की नहीं मान रही है, उसको तो नगद चाहिए, गाड़ी नहीं हिलने दे, कैसे व्यापार करे? तो भैया पहली बात तो ये है कि किसान है कहाँ? किसान है ही नहीं ना, सारे नेताओं की तो जमीन है, सारे नेताओं के बिजनेस है। जमीन किससे करें? 2-5 बीघा वाले खाली किसान है। खाली ब्याज जो है 4-6 रुपए में बेची, और उसी ब्याज को फिर शिवराज जी ने उनके चाहने वाले को टेंडिंग निकाल के 2 रुपए किलो में दी, और वही पब्लिक का 52-80 रुपए में खिलाई, खाई के नहीं खाई बाद में। किसान की ब्याज 4-6 रुपए में ली थी कि नहीं सरकारी भाव में, और सब गोडाउनों में सीज कर दी, और 2 रुपए में खास खास लोगों को बांट दी, और उन्होंने फिर खूब चुन चुन के दिखे लिया, हुआ खाओ 80-50 रुपए ब्याज। कितना बड़ा स्कैंडल है लोगे, सब फोकट की बात है यार। क्या बात है? वो बोलता बोले यार, बहुत बकवास बात है, आजकल क्या ब्रेन वॉश हो रहा है, टीवी विज्ञापन आम आदमी नहीं यार, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, उसके मालूम ही नहीं पड़ेगी कि 400 की टंकी 800 की
बैटरी 3000 रुपए का घर का बिल है, बत्ती का बिल है, क्या करेगा गरीब आदमी यार। बहुत नॉलेज है। अच्छा ये बताओ पिछली बार वोट किसको दिया? पिछली बार तो मोदी जी को दिया था यार भाई। अब इस बार क्या बोले? आपका तो भाई नोटा में ही आएगा बस। दोनों पसंद नहीं, नहीं यहाँ का सिस्टम ही पसंद नहीं है मेरे को तो। बोलो कहाँ का सिस्टम सुधरू ना यार। लाओ 100 रुपए दे, ये पॉलिथीन खुले में रखिए, लाओ का नियम का दे ये रखिए, देखाओ कैमरा मेरे ठेले पर रखिए, आएगा तो उसको आराम का चाहिए 400-500 रुपए लेके चला जाएगा। तो कहाँ नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं, सब धज्जिया उड़ा रखी, सब पेट भर रहे यार। अच्छा काय का धंधा करती है? ये मनियारी दुकान लगती है। अच्छा तो फिर किसको जिताने वाले हो जी? राहुल गांधी को। क्यों? नरेंद्र मोदी नहीं आने का बोला आपने? कितने भी पैसा है, पैसों से कोई इंसान नहीं जीत पाए। ये सब दुकानें यहाँ की हटाई उसने। किसने? मोदी ने। हाँ अच्छा, ये सब दुकानें फर्सी लगाई, फिर राहुल गांधी ने लगाई, किसी ने भी लगाई, बैठने का भी मौका दिया, इधर सब दुकानें तोड़ दी। ऐसा गरीब लोगों के पेट पे लात धर दी उसने। किसने? मोदी ने। तो फिर आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो जाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी? हाँ। ये तो इनका विचार है और भी लोगों से। काय का व्यवसाय है आपका? तकिया है। तकिए? ये तकिया बेचते हैं। ये तकिया जो है शरीर में ये पीछे लगाओ तो आराम मिलता है। कितने का है ये? ये 150 रुपए 2। तो ऐसे चल फिर के बेचते हो? हाँ, चलते फिरते। कितना बेच लेते हो दिन भर? बिक जाते हैं 30-35। अच्छा कितना कमा लेते हो? 300-400। अच्छा वोट देते हो? वोट देते ना। पिछली बार किसको दिया था? मोदी को। अब इस बार किसको देने वाले? मोदी को। हाँ जी। तो कोई परेशान तो नहीं करता धंधे में? क्या परेशानी आती? परेशान तो खूब करते हैं। क्या करते हैं? भजा देते ना लोग, बजाते हैं ना, इधर मत बेचो, निगम वाले ना। हाँ? भगवा दे। क्या कहते हैं? चलो इधर मत बेचो। अच्छा हाँ जी। तो नगर निगम की कोई स्लिप काटते होंगे? ना कोई नहीं काटता है। अच्छा तो फिर धंधा कहाँ करोगे अगर वो भगा देंगे? भगा देंगे, अपने घर जाएंगे, कचु करें। ऐसा? हाँ जी। सरकार से क्या चाहते हो तुम? नौकरी। हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो? 7। 7 क्लास पढ़े हो तो नौकरी कैसे मिलेगी? जो मिलेगी है? मिलेगी चुना? नहीं मिलेगी। हाँ तो तकिया बेचेंगे फिर? 7 क्लास पढ़े हैं, नौकरी चाहते हैं, अब सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा। भैया पंकज भाई, ये काय का व्यवसाय आप? ये हमारा कटलरी का। तो यहाँ पे कब से कर रहे हैं राजवाड़ा? मेरे पिताजी से पिताजी करते हुए आ रहे हैं। ऐसा? हाँ। इसी जगह पर पीड़ी पीड़न चल रही है ना? क्या बात है, पीड़न पीड़ी चल रही है। कोई परेशान तो नहीं करता? हाँ बस ये पुलिस वाले हैं, नगम निगम वाले हैं, ये तकलीफ देते हैं। अच्छा। और ऐसी तकलीफ देते हैं भैया जी, माल भर भर कर भी ले जाते हैं, मौका आता तो गाली भी बकते हैं। अच्छा। फिर हम उनसे फिर मजाक मारी भी करते हैं मौका आने पर। मजाक मारी? तो क्या लगता है कौन सी सरकार को चाहते हो जो आपकी समझ? ये सोच रहे भैया जी, कोई भी सरकार बने लेकिन अच्छी बने। बस गरीबों को दाल रोटी मिले, परेशान नहीं कर। आपकी क्या मांग है सरकार से? मांग तो कुछ भी नहीं है भैया जी, जैसा हमारा धंधा चल रहा है बस ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही चलना बस, हम तो ये चाहते हैं। अपनी समस्या यही है भैया कि अपन बैठना चाहते हैं यहाँ पे, अपन कहीं जाएंगे नहीं, राजबाड़ा छोड़ के अपने बाप दादे मर गए यहाँ पे बैठते। हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, दिन में लगाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। भाई तुमको किस बात की परेशानी है? रोड तुमने छुड़वा दी, हमको फुटपाथ दे दी, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं सर, दिन भर धंधा करते घर चले जाते, आके परेशान करते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले दुकान फेंक देते हैं और यहाँ फर्ची निकाल देते हैं लोग बार, वो फर्ची अपना नाम लेते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले गाली गुप्ता करते हैं, छीन पीट करते हैं, एक पल्लू वो पकड़ते, एक पल्लू हम खींचते हैं, परेशान करते हैं। आपने जिसको आपने पिछली बार भी तो वोट दिया होगा? तो वोट दिया तो मोदी जी को ही दिया। उसको समस्या नहीं हल तो कहाँ हाल करी? ये वापस ये राहुल गांधी आया थोड़ा सा भैया तो उसने ही बैठने दिया है ये। अच्छा। फिर ये थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सहारा हुआ है 2-4-5 महीने से, तो कोई सा सहारा था, म्युनिसिपैलिटी वाले 2-2-4 गाड़ी लगा देना यहाँ पे मार पोधर। वोट देने वाले अब किसको? जिसको जिसने हाल खराब करे उसको तो देंगे नहीं हम। हाल किसने खराब कर? जिसने खराब करे उसने, ये मोदी जी ने खराब करे और किसने खराब करे? अच्छा। और राहुल गांधी को जिताएंगे? किसको जिताएंगे? पूरी सृष्टि उसकी है तो अपने एक वोट से क्या होता है? एक वोट से लेकिन बहुत कुछ होता है। कब से कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो हमारे बड़े बड़े ठिकुराव जी महाराज के साथ में नौकरी करते थे हमारे दादा। अच्छा। हाँ। जब से व्यापार कर रहे। आज भी 25-25 बीघा जमीन पड़ी हमारे पीतमपुर के पास में, राजा ने दी हुई नाम में। अच्छा। जब से रहे तो फिर यहाँ पे ये व्यापार क्यों करते?
अब वो जो हमारे दादा पापा वो जमीन बेच के खा के चले गए, हमको दिया ही नहीं कुछ भी, तो उनके वजह से बैठे है। अच्छा, यहाँ पे धंधा करने में क्या समस्या है? ये समस्या ही नगम निगम वाले आते दुकान भर के ले जाए, तोड़ फोड़ करते और छोड़ छपट करते, कितनी बार सामान लेकर दिया ही नहीं वापस। तो फिर आपके विधायक और आपके जो सांसद हैं, आपने पिछली बार वोट दिया था, उनको बोलते हो कि नहीं? उसको बोलते क्या, बोला अभी कांग्रेस आई है तो उनके में अभी थोड़ा फायदा, हमको दो चार महीने से बैठने दे रहे, नहीं तो बीजेपी वालों ने हमको तीन चार साल तक पूरे परेशान कर दिए पूरे यहाँ पर राजबाड़े पे, एक बच्चे को नहीं बैठने दिया राजबाड़े के आस पास। ऐसा? हाँ, तो कांग्रेस ने बैठने दी? हाँ, कांग्रेस ने बैठने दिया। तो फिर आप इस बार वोट किसको दोगे? कांग्रेस को ही देंगे। और मोदी मोदी सब कर रहे हैं? मोदी मोदी करे तो करने वाले करे, तो हम तो कांग्रेस को देंगे। ऐसा? हाँ। मजदूर यहाँ बैठ जाते फुटपाथ के किनारे अपना गुजारा करने के लिए, बैठने तो आप रसीद देना तो शासन की ओर से। हाँ। सरकार को भी आमदनी होगी और इन छोटे छोटे व्यापारियों का पेट का गुजारा भी होगा। हाँ। ये मेरे मन की भावना है। जय हिंद। समस्या कुछ भी नहीं होती है। अच्छा, कोई नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छे से करते? नगर निगम इसका कुछ पैसा लेते? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वोट देते आप? हाँ, देते वोट। किसको दिया था पिछली बार? अगली बार दिया था हमने कमल वाले को। और आपकी बार? आपकी बार पंजी वाले को देंगे। वो तो सरकार तो एक ही है, वो आएगी कि ये आएगी, खाने कमाना खाना तो अपने को ही है। नहीं तो आपने पिछली बार कमल को दिया था। हाँ। तो कमल ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो तो कमल को दो। अच्छा ही करते वो भी, पंजे वाले भी अच्छा करते, कांग्रेस वाले भाजपा वाले भी अच्छा ही करते, कहाँ बुरा करते। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। रोजमर्रा की चीजें यहीं पर मिलती है आपको, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो मिलती है, लेकिन आसानी से आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी हर चीजें इस दुकान पर। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, कब से कर रहे हैं व्यापार यहाँ पर? ये मेरे को 42 साल हो गए। 42 साल हो गए? अच्छा, तो आपके पहले भी पिताजी वगैरह यही करते? हाँ, हमारे पिताजी, हमारी पीढ़ियाँ नहीं बढ़ गई है। अच्छा, तो धूप में करते हैं? हाँ, 12 महीने ही बैठता हूँ। कितने कमा ले? ये 200 रुपए मिल जाते हैं। तो कोई तकलीफ तो नहीं आती? नहीं, काहे की तकलीफ, नगर निगम कर रही थी बीच में परेशानी। क्या परेशानी? उठाओ धरो सभी तो शांति है, जरा जो उनका हक था हक के हिसाब से उन्होंने करा, उनसे भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशान नहीं करते। सही, कोई सरकार का परेशान नहीं, ना भाजपा नहीं करती, ना कांग्रेस नहीं करती साहब। तो इस बार सरकार किसकी देखना चाहता है? ये जो फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं वो लोग किसको देखना चाहते हैं सरकार में? सर, कांग्रेस को देखना चाहते हैं मेरे हिसाब से सब। हाँ, जितने भी है मेरे हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। तो और आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को? तो ये पूरा देश जो मोदी मोदी कर रहा है, तो अपने उनसे थोड़ी मतलब है मोदी जी से, अपने को तो जो राहत देगा उसको अपन वोट देंगे। राहत? कांग्रेस ने क्या राहत दी? ये अपने को बैठने दिया, नहीं तो इनका रास्ता तो दुकान ले लेके भगना पड़ती थी, बगीचे में भी नहीं माला बना सकते हैं, वहाँ भगो रोड पे, तो यहाँ भगो गाड़ी फोड़ दे, तेला तोड़ दे। ऐसा? इतनी तकलीफ? अभी 3-4 महीने से कम इतनी सुविधा तो है कि बैठ रहा है। अच्छा, तो अभी आपकी समस्या कौन सुनने आया था, जिनने आपको ये सब समस्याएं दूर कर दी, कौन? जब से सरकार कांग्रेस की बैठी है, जब से अभी तक के नगर निगम परेशान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला सब जो जहाँ बैठा उनको वहीं बैठे रहने दो, गरीब इंसान को परेशान मत करो। गरीब इंसान को परेशान मत करो। हमारी माँ भी बैठी हुई 80 साल से घर में ही बैठी, यहीं बैठती थी जब जंगल था, जब से यहाँ बैठ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जब दोनों भाई है, हमारी दुकानें लगती है। ऐसा? हाँ। तो कांग्रेस की सरकार है जब से आपको राहत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके राज में भी तकलीफ नहीं आई है, लेकिन जब उनका हक था उन्होंने वो काम करा साहब, ऐसा नहीं। भाजपा ने मतलब बहुत जो सभी जगह समस्या है, तो अपने को भी समस्या ही भागते फिरे। ये बार वोट दोगे सर? अब उम्मीद तो सरकार क्या है, तो अब जनता है, कब कैसी पलट जाए जनता क्या, अब वोट डालेंगे कांग्रेस में डालेंगे, उम्मीदवार तो कांग्रेस में डालेंगे। कांग्रेस ने जब से आई है दिक्कत इन लोगों को नहीं आई है। ये भी एक वर्ग है और ये वही वर्ग है जो वोट देता है। इनकी काय का धंधा है तुम्हारा? टेडी बियर का। तो ये खरीद के लाते हो कि बनाते हो? नहीं, खरीद के लाते। खरीद के लाते? हाँ। कब से कर रहे हैं यहाँ पे धंधा? ये तो हमारी मम्मी बैठती थी यहाँ पे, तो उधर बैठने लगे, इसलिए हम यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, तो तकलीफ क्या आती है यहाँ पर? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आती। नहीं आती? नहीं। वो भैया बता रहे थे कि पहले से तकलीफ आती थी? नहीं, पहले अभी बीच में आई थी, उठा रहे थे यहाँ से, तो फिर वापस बैठना चालू कर दिया हमने, गए नहीं यहाँ से, यहीं बैठने। अच्छा। हाँ। तो उठाते हैं तो क्या करते हैं सामान? नहीं, भर के नहीं ले जाते, बस बोलते हैं कि भर के रख लो, कोई अधिकारी आते हैं तो। हाँ। कोई बड़े आते हैं तो इसलिए मंगल करके वोट देती हो तो? नहीं, बस इस साल देंगे वोट। इस साल पहली बार? हाँ। पहली बार वोट देने वाली है, किसको देने वाली है? कांग्रेस को। तो मोदी मोदी सब कर रहे हैं तो? नहीं, मेरा पहला वोट कांग्रेस को जाएगा। ऐसा? हाँ। क्यों भाई?
जो हमारे परिवार से शुरू से कांग्रेस में वोट देते तो हम भी कांग्रेस में देंगे। तो पर अभी तो मोदी जी की सभा हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, तुम गए थे? नहीं नहीं गए। नहीं गए थे? तो मोदी जी को जानते हो? हाँ जानते ऐसा। और वोट कांग्रेस को? क्या नाम है? हमारा राजू। राजू काय का काम है आपको? आइसक्रीम का। आइसक्रीम का लगा रहे हैं आप? यहाँ से 30 साल हो गए होंगे करीब करीब। अच्छा, तो 30 साल से कभी कोई धंधे में कोई दिक्कत आई? नहीं आई, मगर अभी थोड़े थोड़े जब से बीजेपी की सरकार आई हाँ। जब से बहुत दिक्कत आई। ऐसा क्या दिक्कत आने लगी? ठेला हटाओ हाँ। वो हटाओ, माल जब्त कर रहे, ठेले तक तोड़ दिए हैं। फिर क्या करते हो? क्या करते, जमा हो गया फिर दूसरा बनवाया। अच्छा भैया, तो फिर दूसरा बनवाया? दूसरा ढेले बने फिर। ऐसा, तो फिर मोदी जी आए थे, फिर वोट किसको दोगे इस बार? इस बार तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी, तो मोदी जी बोल रहे हमने तो बहुत काम किया सबके लिए। काय का काम करा? कुछ भी नहीं करा। नोटबंदी भी कर दी है और व्यापार आधा खत्म हो गया। ऐसा नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? नोटबंदी से 2000 से बड़े नोट लिया है, अब खुले किससे मांगने जाओ 2000 के? और कभी नकली आ जाए तो हाँ। सीधा 2000 का नोट जा रहा हमारा तो। ऐसा नोटबंदी आपको अच्छी लगी कि गलत? नहीं, गलत लगी है? गलत लगी। तो फिर इस बार वोट किसको देने वाले? राहुल गांधी। कैसे कर रहे हो धंधा? धंधा तो कर रहे 10-1 साल से। अच्छा, कहाँ पे करते हो? ये इंदौर में रहते हैं, यही करते हैं धंधा। इंदौर में एक धंधा कहाँ करते हो? यही बेचते हैं, राजवाड़े पे। ये पूछ रहा हूँ है ना। तो कभी कोई धंधे को लेकर कोई तकलीफें आती है? कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी आती है कोई तकलीफ नहीं है, धंधा तो धंधा ही है, अब जो भी हो जाए वही ठीक। कितना कमा लेते हो? आ जाते 300-400 रुपये तो आ ही जाते हैं दिन को। ये जो सड़क पर धंधा करते हैं लोग, इनके साथ आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इनके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? अब देखो, हमको तो ऐसा कुछ नहीं मालूम है अब कौन सी सरकार खड़ी है, अब इसका तो हम कुछ नहीं। तो आप भी देते हो और सारे नेता मंचों से तो आप लोगों की बातें करते हैं कि देश का गरीब आदमी हमारे साथ है। मोदी जी भी यही बोलते हैं और राहुल गांधी जी भी यही बोलते हैं, तो आप बता दो कि किसके साथ हो? अरे अब कोई सब साथ विकास कर रहे हैं, उसी के साथ हैं हम तो, और किसके तो साथ तो है? किसका नाम बोलोगे? अरे नाम विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं, अब सब जो भी कर रहे हैं वो और क्या करें, मोदी जी के साथ है। और क्या आय का काम है आपको? ये माला काटने का काम। माला काटने का आपकी क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं, मैं तो यही चाह रही हूँ कि वापस से बीजेपी आए, 15 लाख देने का बोला कुछ ने तो ब्याज तो मिल ही जाए। अच्छा, आप मतलब बीजेपी इसलिए लाना चाहते हो कि 15 लाख मिल जाए? अरे वो नहीं मिले, ब्याज तो मिल जाए, मालूम पड़ा सरकार दूसरी आ गई तो वो क्या मालूम क्या कर देंगे। ऐसा अभी कम से कम 15 लाख का वो तो है हाँ। तो उम्मीद है मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो देश में तो लग जाएंगे। ऐसा फिर तो सरकार किसकी चाहती है? अपन तो बीजेपी की चाहते हैं भैया, सरकार बीजेपी की हाँ। राहुल गांधी कैसा लगता है? राहुल गांधी आदमी अच्छा, ब्याह कर ले तो बच्चे अच्छे हो जाए, गोरे गोरे। कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशान नहीं करता। नहीं करता। वोट किसको दिए थे पिछली बार? ये नहीं बताएंगे। और इस बार किसको दिए? ये भी नहीं बताएंगे। तो बस ये बता दो कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से आपको अच्छा कौन लगता है? अब जो गरीब का फायदा करेगा वो अच्छा लगेगा। अभी तो मोदी साहब भी कांग्रेस के भी सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। रोटी सेक रहे हैं हाँ। पर किसी को तो चुनना पड़ेगा? नहीं चुनेंगे, पर ऐसी सरकार आना चाहिए कि गरीबों का फायदा हो, गरीबों को सुख से रोटी मिले हाँ। गरीब अपने घर में जाके सुख से सोए। सरकार कोई भी आए पर भ्रष्टाचार जो है वो गरीबों के पास से कब खत्म होगा, ये कहना है एक आम रेहड़ी वाले का। वो कहता है कि हम तो दिन भर मेहनत करके कमाना चाहते हैं, पर दिन भर की कमाई तो जो है लोग ले जाते हैं, अधिकारी ले जाते हैं, कर्मचारी ले जाते हैं। तो सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी ऐसे लोग दो वक्त की रोटी कमा पाएंगे। कैमरामैन आयुष यादव के साथ मैं निमिष भंसाली टैलेंटेड इंडिया न्यूज के साथ। आज हमने जानी रेहड़ी वालों की बातें, अब अगला सवाल हम आपसे भी पूछने आएंगे, तो आप भी तैयार रहिएगा बोल पब्लिक बोल के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।